ठीक है जी। बट चलो अभी थोड़ा ये क्वेश्चन होगा थोड़ा जनरलाइज्ड कि आपने मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई किया, आप बाहर आए पढ़ने के लिए, बट आपको कुछ क्या डिफरेंस दिखा थोड़ा स्ट्रक्चर कोर स्ट्रक्चर्स में, कि स्टूडेंट्स को थोड़ा ओवरव्यू दे दो कि अगर वो बाहर आ रहे हैं तो उन्हें पता हो कि यहाँ पे इस तरह के कोर्सेज होते हैं, अगर कुछ डिफरेंट है इंडिया से। बहुत बड़ा डिफरेंस है आई वुड से। मैं जब यहाँ पे आई थी, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल कल्चर शॉक, वो तो है ही, खैर उसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर ऐसा यहाँ पे माइंडसेट है कि अगर आप साइंस में कोई कोर्स ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं उसको लेके। आप इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपको इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शन नहीं मिला, वो यहाँ पे वर्क नहीं करता। तो ऐसा है कि लाइक इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली। मुझे मेरे कोर्सेज मास्टर्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगे थे और मुझे कोप अप करने में, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो हाँ, काफ़ी टाइम भी लगा था क्योंकि जिस तरह की फिज़िक्स यहाँ पढ़ाई जाती है बैचलर्स में, वो ही काफ़ी डिफरेंट है जैसे हमें पढ़ाई जाती है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये एग्ज़ाम है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आप कर लो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं चलता। मेरे सारे एग्ज़ाम्स एक्चुअली क्या कहते हैं, देवर इन द फॉर्म ऑफ वाइवा, सो लाइक देवर ऑल ओरल बेसिकली। सो लाइक इन 30 मिनट्स यू हैव टू आंसर अ बंच ऑफ क्वेश्चंस, और अगर आप किसी एक क्वेश्चन में अटक गए तो फिर आपका ग्रेड इफेक्ट हो जाएगा बिकॉज आप फिर आप बाकी क्वेश्चन आपसे इन्विजिलेटर नहीं पूछ पाएंगे। तो थोड़ा बहुत आपको ये है कि अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो ये मान के चलना पड़ेगा कि इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट सीरियस एंड इट इज़ गोइंग टू बी टफ, आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट, बट मैनेजेबल है अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आपको एक्चुअल में जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है अपने बैचलर्स में, आपको रियल में इंटरेस्ट है उसमें, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो एक बैकअप ऑप्शन है और आप सोच रहे हैं कि मास्टर्स इसलिए करते हैं क्योंकि शायद अच्छा लगेगा या फिर मतलब नया एक्सपीरियंस है समथिंग, उस वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है। मुझे आपकी ये बात सही लगी कि अगर किसी का जेनरली इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, लाइक पर्टिकुलर साइंस में, तो उसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट? क्योंकि वो बिल्कुल अपने शौक से कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली वो थैंक्स। ये चीज़ आप किसी से वही ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। हाँ जी। ओके, तो आपने एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने मतलब इंडिया को बिल्कुल खत्म कर दिया था अपने ऑप्शन में कि यहाँ से तो एमएससी करनी ही नहीं है, मतलब आपने नहीं कोई नहीं एंट्रेंस एग्जाम दिया था? ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैम की भी प्रिपरेशन करी थी ओके। एंड उस टाइम पे मेरा, हाँ जैम में नहीं हुआ था, बट अगर मेरे पास ऑप्शन होता, अगर मैं एग्जाम में हो जाता मतलब किसी आईआईटी में, या फिर मेरे को जर्मनी ऑप्शन मिलता तो मैं जर्मनी प्रेफर करती। तो मुझे यस प्लीज कंटिन्यू फर्स्ट। वो और वो इसलिए भी है बिकॉज क्या कहते हैं, जब आप एटलीस्ट जब मैं थी अपने बैचलर्स में, मुझे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में एमएससी करने के लिए एक्सेप्ट जैम। तो हाँ मतलब मैंने ये किया था, इसके लिए अप्लाई करा था और जर्मनी, दैट्स इट। मेरे पास ज़्यादा, मैंने ज़्यादा ऑप्शंस अपने रखे भी नहीं बिकॉज मुझे मतलब ओके डी यू की मास्टर्स भी वॉज देयर, वो उस टाइम पे तो आपके जितने परसेंटेज हैं उस पे डिपेंड करता था। आई डोंट नो कि अब अगर एंट्रेंस टेस्ट है क्या है, बट वो मेरा बैकअप ऑप्शन था एक्चुअली क्योंकि वो मुझे पता था कि अगर मेरे ग्रेड्स ठीक हैं तो वो तो हो जाएगा। तो हाँ इसके अलावा आई गेस आई मुझे इंडिया में भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा एमएससी की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता थी। टीएफआर मैंने सुना था बट टीएफआर का इतना ज़्यादा ऑलरेडी क्या कहते हैं हाइप है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो आई नेवर फोकस माय सेल्फ देयर।